रामगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को बुधवार को गुप्त सूचना मिली कि रामगढ़ जिला में रांची से कुछ अपराधकर्मी मोटरसाइकिल से हथियार से लैस होकर किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं और घटना को अंजाम देकर वापस भागने वाले हैं। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक रामगढ़ डॉक्टर विमल कुमार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी थाना प्रभारी रामगढ़ जिला को एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक को निगरानी करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में सभी थाना प्रभारी द्वारा अपने अपने क्षेत्र में गहनता पूर्वक एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में पतरातू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक पतरातू एवं पतरातू थाना पुलिस द्वारा पतरातू खलारी मुख्य मार्ग पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। खलारी से पतरातू की ओर जा रही एक काले नीले रंग की डिस्कवर मोटरसाइकिल संख्या JH01R2171 पर सवार तीन व्यक्ति पुलिस बल को देखकर मोटरसाइकिल पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। गुरुवार को इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस बल द्वारा मोटरसाइकिल संख्या JH01R2171 पर सवार तीनों व्यक्ति को पकड़ा गया। पुलिस बल द्वारा पकड़े गए तीनों व्यक्तियों का नाम पता पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया। रमेश मुंडा उम्र करीब 39 वर्ष, पिता स्वर्गीय बीरू मुंडा हिरिंग। रूपन हांसदा उम्र करीब 28 वर्ष, पिता बधु मांझी पंडरिया और बल्तू मांझी उम्र करीब 35 वर्ष, बधु मांझी पंडरिया। तीनों थाना बुडमू जिला रांची बताया गया। पकड़े गए व्यक्तियों की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में एक लोडेड देसी कट्टा, एक 7.65 mm का देसी पिस्टल, 3.315 mm का दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गए लोगों से बरामद हथियार एवं जिंदा कारतूस के वैध कागजात की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए तीनों व्यक्तियों से पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताए गए कि वे हथियार से लैस होकर पतरातू क्षेत्र में लूटपाट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे। पकड़े गए तीनों व्यक्तियों को अवैध रूप से बिना लाइसेंस के हथियार एवं जिंदा कारतूस रखने के आरोप में विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं उन पर इस संदर्भ में पतरातू थाना कांड संख्या 113/24 धारा 25 AB 26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। छापेमारी दल में शामिल पतरातू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरेंद्र राम, पतरातू पुलिस निरीक्षक योगेंद्र सिंह, पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल कुमार गुप्ता पुअनी सीवा कच्छप व पतरातू थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। पतरातू से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी जो है रामगढ़ जिला में मिल हैं और उनका कोई बड़ी अंजाम दी जा सकती है। इसको लेकर जिले में एंटी क्राइम चेकिंग और टीम बनाया गया था। इसी तरह की सूचना प्राप्त हुई पतरातू थाना क्षेत्र करके और उसमें पतरातू के नेतृत्व जिसमें कि पतरातू भी थे, प्रभारी पतरातू भी थे और करके जांच की और इसके क्रम में खलारी मुख्य मार्ग में चेकिंग की जा रही थी जिसमें एक नीले मोटरसाइकिल जो डिस्कवर मोटरसाइकिल थी उसमें तीन व्यक्ति सवार होकर के जा रहे थे। उनकी तलाशी ली और उनके पास से एक देसी कट्टा 0.65 देसी पिस्टल 315 mm का दो जिंदा उस बरामद किया गया। इसमें थे उसमें रमेश मुंडा जो हिरिंग का रहने वाला रांची जिला, रूप गांव का रहने वाला है, बुड़मू थाना क्षेत्र, बल्तू मांझी ये पंडरिया गांव का रहने वाला, तीनों ही व्यक्ति थाना क्षेत्र रहने वाले हैं। और जब इनके इतिहास को देखा तो उसमें से रमेश मुंडा जो है थाना कांड संख्या 142/2018 आर्म्स एक्ट के केस और कांड में पूर्व में भी आपराधिक इतिहास खेल जा चुका है। तो ये इस तरह इनका मूवमेंट था, बड़ी घटना को अंजाम दिया और पूर्व सूचना पर ये इस अपराध को सर किसी से